नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 69 के पार्षद कोमल दास टंडन और उनके साथियों की कुछ लोगों ने क्रिकेट के बैट और स्टंप से पिटाई कर दी। पार्षद अपने साथियों के साथ गुरुवार को सेक्टर 9 स्थित क्रिकेट ग्राउंड में विवाद को शांत कराने गए थे। इस पर उनका वहां दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। इसके बाद मामला भिलाई नगर थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पार्षद कोमल दास टंडन की पत्नी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे पति कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। मेरे पति को कांग्रेस का पार्षद होने का दंश झेलना पड़ रहा है। उन्होंने जातिगत गालियां सुननी पड़ रही हैं। क्या मामला है और आपके साथ में इस तरह की मारपीट की घटना को अंजाम किसने दिया है? वार्ड नंबर 69 से कोमल दास टंडन बोल रहा हूँ मैं। मैडम जी, ऐसा हुआ था, बच्चे लोग का खेल खेल में ही झगड़ा हुआ। मैडम जी तो उनको सुलझाने गए थे हम। मैडम जी अपने बिल्डिंग के हैं, जो सेक्टर में लड़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, उनको मैं समझा देता हूँ करके। इनका पापा भी गया था, सुंदरराव भैया गए थे, अनमोल सिंह गए थे, तो उनको समझाने गया हूँ। जो जो मारपीट किए लड़के लोग मैडम जी, जो खेल के दौरान में जैसे गया मैडम, तो मेरे को देख के अपने यहीं के अरुण था और सैमुअल डेविड करके है, उनके दोनों लड़के हैं, जो गाली गलत देने लगे, कहाँ का तू पार्षद है, काय का पार्षद है तू, है सतनामी जात का है, मेरे को इस टाइप का गाली दिया मैडम जी। लोग नीच जात का है तू, यहाँ पर काय के लिए आया, इस टाइप का गाली दिया मैडम जी, जातिगत गाली दी जी मैडम जी। शिकायत इसकी थाने में नहीं करा? थाने में किए मैडम, हमारे रिपोर्ट ही नहीं लिखे मैडम जी उस टाइप का, हमारे थाने में से थाने में नहीं लिखे, नहीं लिखे मैडम जी। कहाँ का लगा था? ये हाथ में लगा है मैडम जी, यहाँ लगा है मैडम जी, सीधा नहीं हो रहा मैडम जी, देखिए पूरे दम। अभी आप क्या चाह रहे? और ये एक बार नहीं, कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं मैडम, जो हमसे मारपीट किए हैं, जो सैमुअल डेविड है मैडम, अरुण है, साहिल सहारून है, उनके लड़के दोनों लड़के हैं उनके मैडम जी। तो पहले भी ऐसी घटना करे हैं? करे हैं मैडम जी, ये दूसरी तीसरी बार है मैडम जी हमारे साथ में। आप पार्षद हो जी मैडम, और एक जनप्रतिनिधि पे इस तरह का उनका वार करना, आपने थाने पे शिकायत दर्ज कराने के लिए जो मांग रखे या गए थे, तो उस पर कार्रवाई किसी तरह की नहीं की गई? नहीं की गई मैडम जी। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम कार्रवाई हो, अच्छे से उनके सजा मिले मैडम जी उनका। हाँ, मैं कोमल दास टंडन की मिसेस बोल रही हूँ। वो ये क्या बोलते हैं, जाति के लिए, नीच जात के हैं, छोटे जाति के हैं, पार्षद बने हैं, नहीं तो हम छोटे जाति के हैं तो क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हम पार्षद में नहीं हो सकते हैं? कितने हमारे घर में दो दो बार आके हमको गाली गलौज किए हैं जाति के नाम से, तो और किसी नाम से। जब से प्रचार ये चुनाव में जीते हैं हुए हैं, तब से उन लोग बौखला गए हैं कि उन लोग सोचे नहीं थे कि ये जीत जाएगा, ऐसे करके अचानक ऐसा हो गया, तो उन लोग एकदम तो उन लोग दहशत में आ गए हैं। दो दो बार हो गया, तीन तीन बार हो गया, दो बार तो जाने दो, ऐसे करके हम तो छोड़ दिए, चलो भाई है मिलके रहेंगे ऐसे करके, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। और मेरे पति को ताज़ा मामला ये वाला क्या है? हाँ, मेरे पति को मार दिए हैं। ऐसे तो दोबारा तो ऐसा और हो सकता है कि जानलेवा हमला हो सकता है, आधा मुए किए हैं तो।